सत श्री अकाल जी, सारिया नूं स्वागत करदी हां मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते। मैं हाँ सुमनप्रीत कौर ते अज दी इस वीडियो दे विच असीं शुरू कीते आ टाइम एंड वर्क, जाणी कि समां ते काम वाले जिहड़े सवाल आ उह असीं शुरू कीते होए आ। जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ लाइक ते शेयर जरूर कर देना। नाल ही नाल मैं उहनां स्टूडेंट्स नूं रिक्वेस्ट करदी हां जिन्हां ने हजे तक मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता, प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो अते वध तों वध शेयर करो। जेकर कोई प्रॉब्लम आती है तो सानू कमेंट बॉक्स के दस दिया करो, असी अगे तो सुधार करांगे। नाल ही नाल बैल आइकनिक भी प्रेस कर लो तां जो मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानू मिलती रहे। हाँ जी, नैक्सट सम मेरे को पी कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 डेज एंड क्यू कैन डू 2.5 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। इन हाउ मैनी डेज बोथ पी एंड क्यू टूगैदर कैन डू द वर्क। हाँ जी, कोई काम आ जिहनूं पी मिल के करदा, पी करदा वा 5 दिनां दा काम आ, 5 दिनां दे विच उह 1/3 मतलब तीजा हिस्सा काम दा कंप्लीट करदा वा। अते क्यू कैन डू 2/5, क्यू आ जिहड़ा 10 दिनां दे विच उही काम दा 2/5 हिस्सा वा जिहड़ा कंप्लीट करदा। इन हाउ मैनी डेज बोथ पी एंड क्यू, जे उही काम दोनों मिल के कर लैण तां किन्ने दिन लगणगे। सब तो पहलां देखो जी, जिदा असी वन डे कढ़ते हुए सेम उदा ही कढ़ लेना वा। फर्स्ट स्टैप साडा यही है, वन डे कम पी इज़ वन डे वर्क इज इक्वल्स टू किन्ना वा दिता हुआ 1/5। पर इसी लाइन के सानू एक गल होर भी दिती उन्होंने भी वह काम का तीजे हिस्से ही कंप्लीट करता वा इन्ने दिनों के, तो असं ये मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करनी हुई मल्टीप्लाई कर दौ, वैसे इनू असं इदा भी कर सकते हैं कि 1/3 सी, ठीक है 1/3 तो काम का हिस्सा वा वह कर रहा वा कंप्लीट, किन्ने दिन कर रहा 5 दिन, यद मतलब भी की हो जूगा 1/15 ही बन जूगा, ठीक है। सेम इदा ही हूँ असं क्यू का कढ़ लाँगे, क्यूज़ 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू 1/10 सानू गिवन दिता हुआ वा, नाल ही उन्होंने दिता हुआ भी 2/5 है जिहड़ा 2/5 हिस्सा ही है करता, 10 दिनों के काम का 2/5 हिस्सा ही कंप्लीट करता वा। करेक्ट होंगे ना 2 के टेबल से 10 आता वा, तो इज इक्वल्स टू 1/25। हुण मैनू पी का भी 1 डे का वर्क पता लग गया, क्यू का भी 1 डे वर्क पता लग गया। हुण तो सवाल अपना पहला वर्गा हो गया, वीडियो नू रोको तो सवाल नू आपदे आप करो, जेकर आंसर निकल आए तो लाइक जरूर कर देना। पी प्लस क्यूज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कि आजगा 1/15 प्लस 1/25। हम देखो जी, तुम यदा एलसीएम करके देख लेना 15 से 25 का कि आता वा, मेरे को इतने 75 आऊगा, ठीक है जी। हम देखो ये 75 बनाने का मतलब मैनू इतने 75 बनाना पैना, 15 × 5 = 75, जे मैं हेठा मल्टीप्लाई करूँगी तो उपर भी तो करनी ही पैनी है, मतलब उपर मेरे को आजगा 5। हाँ जी, तो सेम इदा इतने 25 × 75, 3 हेठा मल्टीप्लाई 3 उत्ते, मतलब मेरे को आजगा 8/75। पी तो क्यू का जोड़ा वर्क आ, पी प्लस क्यू टूगैदर कंप्लीट आ वर्क पचहत्तर बटा अठ डे वो लाने। हाँ जी, मिक्स फ्रैक्शन दे विच देखो जिन्होंने नहीं आता हजे तक भी किदा लिखना वा। सब तो पहला असं इदा लिख लेना, फिर देखो डिवाइड करना तो सबनों ही आता होना, 8 × 9 = 72 इतने आ गया 3। हाँ जी, सब तो पहला जिन्ने नाल असी डिवाइड किया वा उन्हूं असी इत्थे रख लेना, ठीक है जी। फिर जिहड़ा भी साडा आंसर आता वा, जिहड़ा भी आंसर आता वा उन्हूं असी इत्थे लिखना वा अगे, तो जिहड़ा साडे कोले बाकी बचता वा उन्हूं सब तो उपर, इहनूं कह दिंदे असी मिक्स फ्रैक्शन। मतलब पी ते क्यू जदों दोनों मिल के काम करनगे उन्हां नूं 9 × 3/8 डे आ जिहड़े लगणगे, ठीक है जी। थैंक यू। हाँ जी, नैक्सट समा मेरे को
एक्स एंड वाई फिनिश अ जॉब इन 12 डे वाइल एक्स एंड वाई एंड जेड कैन फिनिश इन 8 डे जेड अलोंग देन फिनिश द वर्क। हाँ जी, एक्स ते वाई आ इहदे एक जॉब का काम कर रहे हैं, जो दोनों मिल के करते 12 दिनों के फिनिश कर देंगे, जो तीनों मिल जाते हैं तो 8 दिनों के जो काम खत्म कर देंगे। पर वो कहते जी कल्ला जेड काम करे तो किन्ने दिनों के करूँगा। ठीक है जी, सब तो पहला फर्स्ट स्टैप साडा उही है कि असी 1 डे जिहड़ा वर्क आ उह कढ़ना वा। एक्स ते वाई दोनों का इकट्ठा दिता होया वा, दोनों का इकट्ठिया का एक दिन का कढ़ लाँगे। एक्स प्लस वाई 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/12। सेम इदा एक्स प्लस वाई प्लस जैड, क्योंकि तिना का दिता हुआ तो असं तिना का कढ़ लाँगे। 1/8। हुण देखो की करना, असी कल्ला जेड दा कढ़ना, मैनू इस हिसाब नाल माइनस करना पैना कि इत्थे कल्ला जेड आ जाए, एक्स ते वाई कट हो जाए। मतलब सब तो पहला मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखूंगी, फिर मैं दूसरे नंबर ते इनू माइनस करूंगी, माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि जो मैं देखो इनू माइनस करूंगी ये ब्रैसिस दे विच आ। जो मैं इत्थे इनू माइनस किया इदां सीगा, जो आ माइनस ब्रैकेट के अंदर गया प्लस माइनस माइनस, तो इतने मेरे को आजगा माइनस। ठीक है, सेम इदा ही इतने 1 डे वर्क आना। सब तो पहला मैं ये लिखा वा, ये वैल्यू मैं पहला रखूँगी 1/8 माइनस 1/12। ठीक है जी, हुण देखो एक्स नाल एक्स कट वाई नाल वाई कट, इत्थे कल्ला मेरे को जेड का 1 डे का वर्क आजूगा। 1 डे वर्क कढ़ने लई मैनू की करना पैना, इत्थे 8 ते 12 का एलसीएम लेना पैना, किन्ना आऊगा इत्थे आ गया 4, इत्थे आ गया 6, फिर 2 ते गया, इत्थे आ गया 2 ते इत्थे आ गया 3, फिर 2 ते गया, इत्थे आ गया 1, इत्थे 3, 3 दा 3 एज इट इज़। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। मतलब इन्हों का मेरे को जो एलसीएम आ कि आया 24। हुण देखो मैनू इत्थे 24 बनाउणा वा, 38 + 24 होंगे है ना, 3 मल्टीप्लाई उपर कर दूंगी, 3 हेठा कर दूंगी, इत्थे 2 होंगे आ, 2 12 दूना 24, इस करके इत्थे कि आ गया मेरे को 1/24। मतलब कल्ला जेड किन्ने दिन लाऊगा, 24 दिन लाऊगा। जेड कैन डू कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। हाँ जी, जेकर वीडियो चंगी लगी हो प्लीज़ लाइक तो शेयर जरूर कर देना।